नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, YouTube पर बहुत सारे लोग जो भी नए नए क्रिएटर आए हैं वो चाहते हैं कि उनका चैनल जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर ले और 4000 घंटे का वॉच टाइम, ताकि उनका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और वो भी अर्निंग कर सके, उनके चैनल पर भी ऐड चले। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अभी मैंने YouTube पर वीडियो देखे हैं जहाँ पर लोग कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जहाँ से आप लोग एक दिन में सब्सक्राइबर, दो दिन में सब्सक्राइबर, वॉच टाइम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ बताई हैं। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और इसी बात से मैं आप लोग को अवेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी अभी मैंने YouTube पे एक भाई हैं जिनका यूट्यूबर है, अच्छा खासा उनका सब्सक्राइबर, तो वो बता रहे थे एक ऐप के, थर्ड पार्टी ऐप के बारे में। और उस ऐप में उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए से आप लोग अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं और सब्सक्राइबर भी गेन कर सकते हैं। दोस्तों उन्होंने ये बात पहले, उनको शायद ये सब बारे में उन लोगों इंक्वायरी नहीं की थी, बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा था या किसी ने उनको बताया होगा कि इससे वॉच टाइम ऐसा गेन किया, तो इस टॉपिक पर उन्होंने वीडियो बनाया। लेकिन इस बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी कोई भी जो भी थर्ड पार्टी ऐप होती है जिससे आप लोग सब्सक्राइबर लेते हैं और इंक्रीज लेते हैं, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोग कहाँ से ट्रैफिक ले रहे हैं। अगर आप कहीं पे व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हैं तो वहाँ पे दिख जाता है, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल सोर्स में आपको दिख जाता है कि आपने कहाँ से ट्रैफिक लिया है। तो यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है 2021 में। शुरुआती 2-4-5-6 साल पहले यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, कोई भी वीडियो अपलोड कर देता था तो उस बारे में ज़्यादा कुछ भी यूट्यूब भी नहीं रिएक्शन लेता था। लेकिन अब जब से बहुत सारे ऐप बैन होने लगे हैं इंडिया में हर जगह, तो यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा अपने गाइडलाइंस के खिलाफ जो भी पॉलिसी है वो स्टिक करता जा रहा है। इससे क्या होगा, वो अपने ऐप को सुरक्षित रखना चाहता है और सेफ रखना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जिस पर वो कई सारे प्राइवेसी और गाइडलाइंस कम्युनिटी कॉपीराइट दे देता है। तो यहाँ पे एक ऐप के बारे में बताया गया है, ट्यूबमाइन ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पर मौजूद है इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि यूट्यूब ने पहले ही बोला है कि कोई भी व्यूज़ लेके आओ लेकिन वो जेन्युइन तरीके का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसको किसी भी ह्यूमन ने यानी किसी इंसान ने इसको देखा, लेकिन इस भाई ने वहाँ पर अपने वीडियो में, कई भाई लोगों ने बताया कि ये ऐप क्या करता है कि एक दूसरे की वीडियो दिखाता है, आपको रोबोटिक ने कंप्यूटराइज नहीं होता है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं है, वो एक दूसरे का व्यू दिखाता है। यूट्यूब ने पहले भी अपने पॉलिसी में बोल दिया है कि ज़बरदस्ती आप किसी को अपना वीडियो दिखा के टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर कोई आपका वीडियो खुद अपने दिल से देखना चाहता है तो देख ले, आप ज़बरदस्ती किसी को अपना वीडियो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब ने ऐसा बोला है। तो इसलिए आप लोगों ने ये इस बात को ध्यान रखना है कि ये आप लोगों को एक दूसरे की वीडियो ज़बरदस्ती दिखा रहा है, मतलब आप लोग पॉइंट परचेस कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा भी खर्चा हो रहा है। तो यूट्यूब नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार से अपना खुद का मेहनत का पैसा खर्चा करके ऐसी चीज़ें को काम करो जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो, क्योंकि वहाँ पर जो, और एक बात और है, वहाँ पर जो भी आप लोग को सब्सक्राइबर पैसे से मिलेंगे वो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर फेक जीमेल आईडी बना बना के लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो वो जरूर से बाद में वो जीमेल आईडी डिलीट कर देंगे और वो सब्सक्राइबर आपके एक्टिव नहीं होंगे, तो ये स्पैम में भी चला जाता है सब्सक्राइबर। तो बाद में यूट्यूब, अभी आप कुछ दिन से देख रहे होंगे कि यूट्यूब जो है सब्सक्राइबर जो भी धीरे धीरे डिक्रीज कर देता है, क्योंकि यूट्यूब ने अपने उसमें पॉलिसी में बताया कि वो जितने भी स्पैम सब्सक्राइबर हैं उसको वो ख़त्म कर देगा, बिल्कुल डिलीट कर देगा। तो इसलिए आपका सब्सक्राइबर जो भी बढ़ जाता है लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होने का वजह यही है। तो ऐसे किसी भी ऐप से आप लोग व्यूज इंक्रीज ना लें जहाँ पैड हो, या आपका अपना एक दूसरे की वीडियो तो दिखाता है लेकिन ज़बरदस्ती दिखाता है, और यूट्यूब इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है कि आप लोग किसी को दूसरे को टॉर्चर करो, वीडियो को ज़बरदस्ती दिखाओ। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ से वॉच टाइम पूरा हो गया, तो इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इसी चीज़ को जानने के लिए, परखने के लिए मैंने एक फेक आईडी बनाया, फेक चैनल बनाया, उसमें मैंने परचेस करके इस ऐप से जो है व्यूज और सब्सक्राइबर लिए। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद जब उसको रिव्यू के लिए भेजा गया तो उसको रीयूज कंटेंट का ऑप्शन आ गया और वहाँ पर यूट्यूब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यूट्यूब ने साफ साफ बोल दिया कि ये रीयूज कंटेंट है। अब यूट्यूब आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने वॉच टाइम यहाँ से लिया या खरीद के लिया कोई, वो बस सिर्फ आपको रीयूज कंटेंट का ऑप्शन देके आप लोग को रिजेक्ट कर देगा। तो ये काम आप लोग मत करिए, यहाँ पे आप लोग का मेहनत भी जाएगा। बहुत सारे लोग परचेस नहीं कर सकते लेकिन दिन रात वीडियो चला चला के दूसरे का देख देख के कॉइन अर्न करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए ऐसा टाइम वेस्ट ना करके आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दीजिए, इंप्रेशन पर ध्यान दीजिए, लोग का दिल
सीरीज जीती है, वहाँ से आप लोग का सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और वास्ट टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। और ऐसे किसी भी चैनल को देखकर आप ऐसी कोई भी बातें ऐसी मोटिवेशन ना लें ताकि आप ऐसे कोई भी गलत करें जिससे आपका चैनल भी यूट्यूब धीरे धीरे टर्मिनेट कर दे और बंद भी कर दे, क्योंकि ऐसे थर्ड पार्टी ऐप से लेने से आपका चैनल जो है बंद भी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, यूट्यूब हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर सकता है। तो ऐसा चीज़ें बिल्कुल आप उपयोग ना करें, जेन्युइन कंटेंट जेन्युइन व्यूज लाएं और आप लोग अपने चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाएं और आपके चैनल और सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। यही आपकी हमारी तरफ से विश है। थैंक यू सो मच दोस्तों। सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।